मोदी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी इतने भावुक हों और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएं। देखिए, मौका ही ऐसा है। सुषमा स्वराज का जाना एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसको शायद बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर कोई कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ चला है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की पहचान बनाई है, तो वो सुषमा स्वराज थी, जिन्होंने विदेश मंत्री का काम 5 साल ऐसा बखूबी किया जिसने प्रधानमंत्री की छवि को भी निखारा और दुनिया भर में भारतीयों की छाती को और चौड़ा किया और मजबूत किया। दुनिया में भारतीय कहीं भी फंसा हो, एक ट्वीट अगर कर देता था, सुषमा स्वराज एक्टिव रहती थी। सुषमा स्वराज सीधे वहाँ के दूतावासों से संपर्क करती थी। लेकिन एक चीज़ और साफ थी, अगर आप ट्विटर पे सही या गलत को मापने का भी उनका पैमाना काफ़ी खड़ा था। अगर ट्विटर पे गलत ट्वीट करके उनको सूचना दी जाती थी तो ट्विटर पे ही वो लथाड़ भी लगाती थी। तो सुषमा स्वराज ने जो 3-4 काम किए जो विदेश मंत्रालय जाके, वो शायद प्रधानमंत्री के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला काम किया था, जो विदेश मंत्रालय होता है वो एक कहा जाता था आयरन कर्टन के पीछे रहता है, लोहे की दीवारों के पीछे रहता है, जहां आम जनता ना जा सकती है ना अंदर की आवाज़ बाहर आती है। उस विदेश मंत्रालय को जनता के द्वार उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया था। दुनिया में कहीं भी कोई फंसा हो, दुनिया के 190 से ज़्यादा देशों में, मैं आपको बता दूँ, पिछले 5 सालों में भारत के या तो राजनयिक गए हैं या फिर भारत का कोई मंत्री गया है या खुद प्रधानमंत्री ने कम से कम 70-80 देशों की यात्रा की है। सुषमा स्वराज ने खुद 100 से ज़्यादा देशों की यात्रा की थी, हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। तो जाहिर तौर पर विदेशों से एक सीधा संपर्क बनाने में और ट्विटर के जरिए अप्रवासी भारतीयों को नई ताकत देने में, और जिसका नज़ारा आपको देखने मिलता है दुनिया भर में, अगर एक भारतीय अपना सीना ठोक कर खड़ा रहता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने उनको उनकी ताकत का एहसास कराया है। तीसरी तो सबसे अहम बात थी पासपोर्ट सेवा केंद्र। अब देश के हर शहर में, छोटे कस्बों में भी पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलते जा रहे हैं, और किसी भी इंसान के लिए पासपोर्ट बनाना, उसकी चेकिंग करवाना, ये कोई मुश्किल काम नहीं होता है। यही प्रधानमंत्री का सपना था जिसे सुषमा स्वराज ने बखूबी अंजाम तक पहुंचाया, और बिना ये सोचे कि उनको शाबाशी मिले ना मिले। लेकिन सुषमा स्वराज एक ऐसी नेत्री थी जिनके बारे में शायद प्रधानमंत्री, जो पिछले 2 प्रधानमंत्री अगर बतौर बीजेपी के संगठन मंत्री और संगठन महामंत्री जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जब पहली बार दिल्ली आए थे, तब सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी और केंद्र सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देकर गई थी। तो सीधा उनका संपर्क और संवाद पार्टी के संगठन मंत्री और नरेंद्र मोदी समेत तमाम संगठन के नेताओं से होता था। तो ये कम से कम 2 दशक से भी पुराना साथ है अगर संगठन और सरकार की बात की जाए तो। बाकी बतौर कार्यकर्ता तो कम से कम 4 दशकों से सब साथ हैं ही, तो ऐसे में इतना लंबा साथ। और बिल्कुल अमिताभ, मैं इसमें एक बात जोड़ूंगी कि आप प्रधानमंत्री मोदी और सुषमा स्वराज के साथ की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कल आखिरी ट्वीट किया वो भी प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए किया। आर्टिकल 370 को हटने को लेकर उन्होंने कहा कि इस पल का इंतजार वो कर रही थी, यानी कि देश की हर गतिविधि पर आखिरी समय तक उनकी नजर थी। ये बड़ी अपूर्णीय क्षति और एक ऐसा झटका है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं होगी। अगर धारा 370 हटाने की बात हुई, सुषमा स्वराज 7:20 को ट्वीट करती हैं और पूरा प्रधानमंत्री अमिताभ, मैं आपको रोकूंगी इस वक्त। मैं दीपक बिष्ट के पास चलती हूं, जिनके पास सोनू का परिवार मौजूद है, जिनकी मदद सुषमा स्वराज ने की थी। दीपक, कैसे अपने अनुभव को साझा कर रहा है परिवार? बिल्कुल, हम इन परिवार के लोगों से ही बात करते हैं क्योंकि ये परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति मान रहा है परिवार, क्योंकि महबूब, ये बताइए कब आपको ये पता चला और कैसे आपको जानकारी मिली? जी मैम, हम सुबह उठे थे स्कूल के लिए, बच्चों को जगाने के लिए, तो मालूम पड़ा, हमने फेसबुक खोला तो उसमें मालूम पड़ा सुषमा जी स्वराज हमारे बीच नहीं रही, और कल तक हमें लग रहा था कि वो हमारे बीच थी, और सुबह उठ करके मालूम पड़ा कि हमारे बीच सुषमा स्वराज नहीं रही। तो हमने बिल्कुल एकदम, हमें बहुत झटका लगा, एकदम बहुत ठेस पहुंची कि एक बेटा हमारा उन्होंने ला करके दिया था, जो बेटा मेरा 23 जून 2010 में गायब हुआ था यहाँ से किडनैप होकर के, और हम सुषमा स्वराज जी के पास गए, उन्होंने वो बीड़ा उठाया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी उस दौरान, और हमने 6 साल तक बच्चे की वेट करी। वेट करने के बाद में हमें किसी से खबर लगी कि आप सुषमा स्वराज जी के पास जाए, बहुत बढ़िया, वो महिलाएँ बहुत अच्छी लेडीज़ है, माँ की तरह पेश आएंगी वो, और वो देश की हर बच्चे की माँ है, और हम चाहते कि ऐसी ही होनी चाहिए हर देश की माँ। एक ऐसी लड़ाई थी क्योंकि आपका बच्चा यहाँ से किडनैप करके देश के पार यानी बांग्लादेश चला गया था, और सुषमा जी तब आपके संपर्क में आए, तो शुरुआत में कैसे बातचीत उनसे हुई आपकी? उन्होंने एक बेटे की तरह हमें बात करी, उनसे बैठा करके एक परिवार की तरह बात करी कि मैं भी एक माँ हूँ और आपका भी एक बेटा गायब हुआ है, वो भी मेरा एक बेटा है,
तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझा करके, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चित रहिए कि ये बच्चा मेरा है, मैं आपको आपका बच्चा आपकी गोद में ला के दूंगी, क्योंकि बच्चा मेरा भी है वो, और इस देश का बच्चा है, बाहर देश में मैं नहीं रखने दूंगी उसको किसी भी कीमत पे, ये मैंने बीड़ा उठाया है, मैं ला करके दूंगी इस बच्चे को। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया, मेरा बच्चा ला करके, एक 6 साल बाद खोया बच्चा मेरा, पुलिस ने ना देख करके, लेकिन उन्होंने 30 दिन से पहले मेरा बच्चा ला करके दे दिया बांग्लादेश की। उन्होंने कोई सारी पुलिस की कार्रवाई, कोई सारी मुसीबतों से हमें बचा करके उन्होंने वो बीड़ा उठाया अपने ऊपर, और हमारे को वो बच्चा उन्होंने बांग्लादेश से करके हमारी गोद में ला करके दिया। आज हम बहुत खुश हैं, लेकिन सुषमा स्वराज नहीं रही, आज हमें बहुत दुख भी है उनके बीच में, आज वो हमारे बीच में नहीं रही, और हम उनको धन्यवाद करते हैं, और आज हम उनके आज आखिरी बार उनसे मिलने के लिए जाएंगे, देखने के लिए जाएंगे कि ऐसी लेडीज, ऐसी एक विदेश मंत्री हमारे बीच रही रही, हम उनके लिए बहुत आभारी, बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये ऐसी हैं कि ज़िंदगी भर हम इनको याद रखेंगे, बिल्कुल एकदम कभी भूल नहीं पाएंगे, अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे हम ज़िंदगी भर, जब तक हमारी सांस में सांस है हम उनको नहीं निकाल पाएंगे। आज मेरा बेटा यहाँ पर बैठा हुआ है आज हमारे बीच में, आज हमें बहुत गर्व है उस सुषमा स्वराज जी ने जो हमारा बच्चा ला करके दिया है, वो नहीं रही, हमें बहुत दुख है, लेकिन आज हमें उनके वजह से, अगर वो नहीं होती तो हमारा बच्चा नहीं मिल पाता, आज हम बच्चे की शक्ल नहीं देख पाते। सोनू हमारे साथ है, सोनू क्या बोलना चाहोगे आज सुषमा जी हमारे बीच में? आंटी अब हमारे बीच नहीं है, इसका हमें बहुत दुख है, उन्होंने मेरे को बांग्लादेश से मेरे माँ बाप के पास लेके आए हैं, उनका बहुत आभारी है हम, क्यों मेरे को बांग्लादेश से मेरे माँ बाप भाई बहन के पास लेके आए, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसका बहुत दुख है, वो हमारे हमारे दिल में रहेंगी, सब हमारे दिल में रहेंगी सुषमा जी। मुमताज़ जी हमारे साथ हैं, मुमताज़ जी माँ हैं, क्योंकि माँ का दर्द माँ ने ही समझा, मुमताज़ जी आपने बताया था कि वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। जी जी जी, उन्होंने हमेशा मेरा हर घर का सदस्य सोचा, हमेशा साथ दिया है, जे कभी ये नहीं सोचा जे मैं बाहर का कह रही नहीं, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे पता है जब माँ के दिल में क्या होती है, मुझे हर टाइम उन्होंने कभी भी एक मिनट के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ रहे, और क्या जितनी भी मुसीबत है मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास ही ला के दूंगा, हाँ तुम ये मत सोचना, और शायद मैंने तो उनकी जन्म दिया था लेकिन दूसरी जन्म मुझे मैम ने दिया, सुषमा जी ने दिया, मैं कभी भी उनको तो कभी दिल से निकाल नहीं सकती, मैं हमेशा मेरे दिल में वो रहेगी, जैसे हमें खबर लगे, लेकिन लगता नहीं है आज हमारे दिल में नहीं है, वो हमेशा सबकी दिलों में रहेगी, कभी कोई भूल नहीं पाएगी उनको, इतनी अच्छा काम करा, इतनी मुसीबत उठाया, बांग्लादेश में भी बहुत तकलीफ हुआ कहाँ का, लेकिन सारे मुसीबत पार करके उन्होंने मेरा बच्चा मेरे गोद में ला के दिया। आपकी बच्चे को छुड़ाने के बाद भी आपसे सुषमा जी संपर्क में रही? जी जी, फोन करते थे हर एक 2 महीने बाद खबर लेते थे, बेटा कैसा है, क्या कर रहा है सोनू, कि बड़ा हो गया अब तो सबसे लगाव हो गया। बिल्कुल दीपक, यही उनका व्यक्तित्व था, ऐसी शख्सियत थी मिलनसार की, जब बेटा छोड़ा गया उसके बाद भी वो हालचाल जानती थी। हम मनोज के पास चलते हैं जो विदिशा से हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, विदिशा से सुषमा स्वराज चुनाव लड़ी और जीती भी, वहां पर जो लोग आपके आसपास